यो हे गाइस, दिस इज सैम। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज मैं आपके लिए लेके आऊँगा इस राउंड ऑफ लेआउट। तो लेआउट कैसे करना है, बहुत ही इजी टेक्निक है गाइस, बहुत ही सिंपल मेथड है। तो आज उसी सिंपल मेथड में आपको समझाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक राउंड ऑफ लेआउट ट्राई नहीं किए तो डोंट फेयर, मैन सैम इज हियर। तो आज मैं आपको क्लियर करूँगा कि राउंड ऑफ लेआउट कैसे करना है। सो चलते वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो गाइस, मेरे काफ़ी वीडियो में आपने राउंड ऑफ लेआउट देखा होगा, तो ये देखने में काफ़ी कूल एंड अमेजिंग है और करने में भी उतना इजी। लेआउट में अच्छी हाइट आने के बाद 360, 720 ट्विस्ट, फ्लैश, ट्रिपल फ्लैश और भी कुछ ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट मैं रिकमेंड करूँगा आपको एक बैक बेंड, जिसे हम ब्रिज भी कहते हैं। तो बैक बेंड आना जरूरी है लेआउट के लिए। और सेकेंड मैं रिकमेंड करूँगा राउंड ऑफ। राउंड ऑफ भी सेम कार्टविल जैसा ही है, बस आपको दोनों हाथों से फोर्स लगाकर हवे में पैर क्लोज कर लेने हैं। फ्लिप्स करने से पहले आपको बेसिक एक्सरसाइज, परफेक्ट बैक बेंड और परफेक्ट राउंड ऑफ आना जरूरी है, तभी आप परफेक्ट राउंड ऑफ लेआउट कर पाओगे। अगर आपके राउंड ऑफ में पावर है या फिर नहीं भी है, तो आप उसमें फोर्सफुली बैक हैंड स्प्रिंग ऐड करके, कंटिन्यू बैक हैंड स्प्रिंग करके उसमें फोर्स बनाकर आप लेआउट कर सकते हैं। तो इसमें हाइट भी अच्छी खासी आएंगी और आप उसे महसूस भी कर पाओगे। परफेक्ट कंटिन्यू बैक हैंड स्प्रिंग कैसे करना है, तो उस पर भी मैं जल्द वीडियो बना दूंगा, तो उसे भी देखना ना भूले। तो एक परफेक्ट बैक बेंड और परफेक्ट राउंड ऑफ आने के बाद आपको राउंड ऑफ लेआउट ट्राई करनी है। राउंड ऑफ में ग्राउंड को पुश करते ही आपको हॉप मिलेगा, उसी हॉप द्वारा आपको हाइट लेनी है, उसी हाइट को आपको बैक बेंड में कन्वर्ट करना है, जिससे कि आपका एक परफेक्ट लेआउट आएगा। Don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. I'm out of service. Come help me now. I'm